गाड़ी जा रहा है इधर पे, मेरे को उसको इधर पे लेके आना है, इधर पे आ गया, डाइनिंग किया, स्ट्रेट किया, यहाँ से ना एक लाइन सीधा लंबा सोचो, इस लाइन के संग मैं स्टीयरिंग को फिलहाल ऐसा है तो इसको मेरे को ऐसा करना है, यानी कि इससे इतना गैप हुआ, मेरा गाड़ी का जो इधर पे बॉडी है इस बॉडी के संग जो भी रास्ते का मिडिल है तरफ पे जाना है, और गाड़ी का जो मिडिल है जब भी वो रास्ते का किनारे के संग अलाइन हो जाएगा, अभी हो गया, अभी सब देखो कितना जगह है इधर के संग, ठीक है, इधर पे कितना जगह है, उधर नहीं जा रहा है गाड़ी, इधर से एक लाइन सोचो गाड़ी उधर पे जा रहा है, ठीक है, इसलिए हल्का सा इसको स्टीयर करना है, देखो ऐसा करके इधर पे मैंने इसको घुमा दिया, गाड़ी उधर जा रहा था इसलिए हल्का सा डायने कर दिया, जा रहा है इधर पे लाइन सोचो सीधा उधर जा रहा है इसलिए हल्का सा बाय लेना है गाड़ी को, कितना डायने कितना बाय, ठीक है, देखो बाय जा रहा है सीधा करके। नमस्कार सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में, तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं गाड़ी का जजमेंट बहुत ही बारीकी से, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो आपके पास जो भी गाड़ी है उसको चलाने के दौरान अगर आप लोगों को परेशानी हो रहा है डायने में जजमेंट लेने में, बाय में जजमेंट लेने में, मगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी परेशानी नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं गाड़ी को बहुत ही धीरे चलाऊंगा, यानी कि एकदम धीरे धीरे ड्राइव करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो दोस्तों जो भी गाड़ी डायने से आते हैं, ठीक है, हम लोग उसको इधर से बाई तरफ रखते हैं, इधर पे एक हम लोग लाइन सोचते हैं, कहाँ से, इधर पे सीधा एकदम जो भी गाड़ी आएगा उससे हम लोग उस लाइन से डायने तरफ रखना है, और जो भी गाड़ी हमारा बाई तरफ होता है यानी कि जो भी गाड़ी बाई से आता है हम लोग इधर से लाइन सोचते हैं, जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखे थे उस लाइन से गाड़ी को बाहर रखना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्राइविंग करेंगे ऐसा ताकि आप लोगों को देखना है, ओवर व्यू को देखना है, ओवर व्यू को देख के पता लगाना है गाड़ी का जो भी डायने का बॉडी का लाइन है, ठीक है, एकदम लाइन, उसके संग रास्ते का जो किनारा है उसका लेंथ कितना है, कितना गैप है, ठीक है, उसके संग बाय का किनारा, क्योंकि बाय का ओवर भी हम लोग जो भी नया ड्राइवर्स होते हैं वो लोग बिल्कुल नहीं चेक करते हैं, क्योंकि वो लोगों का जो भी फोकस होता है ना सामने होता है, स्टीयरिंग पे होता है, इस गियर पे होता है, मगर वो लोग उस ओवर बीएम को देखता ही नहीं है, मगर गाड़ी चलता है सिर्फ ओवर बीएम से, ठीक है, ओवर बीएम आप लोगों को बहुत हेल्प करता है। हम लोग उस ओवर बीएम से पता लगाएंगे गाड़ी का बाई तरफ का जो लाइन है उसके संग जो भी रास्ते का किनारा है उसके साथ गाड़ी का कितना डिस्टेंस है, 2 फीट 1.5 फीट 3 फीट कितना जगह है। तो हमेशा जो भी गाड़ी आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो आप लोगों को रखना है लगभग 2.5 फीट के आसपास जगह इस गाड़ी का जो भी लाइन है उसके संग रास्ते का किनारे के साथ, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ड्राइविंग करेंगे, आप लोगों को फोकस रखना है यहाँ पे, मगर कभी कभी आप लोगों को इधर पे देखना है उधर पे देखना है, ठीक है, चलो ड्राइव करते हैं। तो देखो ड्राइविंग करने से पहले जो भी स्टीयरिंग है इसको थोड़ा सा एकदम ऊपर नहीं तो नीचे जो भी आपको सही लगे उसको सेट कर दो आपके हिसाब से, कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। तो देखो उसके बाद आप लोगों को देखना है सामने डैशबोर्ड का लाइन, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को सामने बोनेट जो भी है मेरा गाड़ी का उस बोनेट को मेरे को दिखता नहीं है, मगर कैमरे के अंदर बोनेट दिखाई देता है, तो मेरे को पता चलता है सिर्फ इस लाइन का, इस लाइन से मेरे को जजमेंट लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरा आंखें हैं नीचे, मेरा कैमरा है माथे के ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को दिखता है बोनेट, मेरे को दिखता नहीं है बिल्कुल। देखो इधर पे देखो स्टीयरिंग सीधा है, इधर पे मैंने एक मार्क किया, ठीक है, सामने जाके डैशबोर्ड के ऊपर और एक मार्किंग है, आप लोग देख सकते हो, इधर पे मैंने इसको साइड दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो इधर पे एक मार्किंग है, इधर पे एक मार्किंग है, इसके संग इसका टैली करना यानी कि मेरा गाड़ी एग्जैक्टली स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। देखो स्ट्रेट तो जा रहा है मगर आप लोग को ऐसा सोचना है इस मार्किंग को जरूर कर दीजिए दोस्तों, इस स्टीयरिंग को सीधा कर लीजिए, वीडियो से इसके ऊपर उसको देख लीजिए कैसे स्टीयरिंग का बैलेंसिंग करना पड़ता है, पता चल जाएगा, ठीक है, उसको देख लीजिए, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ से ना एक लाइन सीधा लंबा सोचो, इधर से एक लंबा लाइन, ठीक है, अभी इस लाइन के संग मैं स्टीयरिंग को कितना घुमा रहा हूँ, यानी कि ऐसा है अभी ना, तो फिलहाल ऐसा है तो इसको मेरे को ऐसा करना है, यानी कि इससे इतना गैप हुआ गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है, अभी फिर से इसको मेरे को इधर करना है, इससे इधर जा रहा है गाड़ी उधर, अभी फिर से इधर ऐसा, यानी कि इधर पे मार्किंग करना है और आप लोग को देखना है गाड़ी कितना यहाँ से कितना उधर पे जा रहा है, ठीक है, अभी मैं उधर जा नहीं सकता कि पीछे से एक बाइक आ रहा है, ठीक है, देखो चला गया बाइक, अभी मैं जा सकता हूँ, देखो इधर पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, कितना जा रहा है गाड़ी, जब भी गाड़ी का पिलर इधर पे ये जो किनारा है उसके संग आ जाएगा तब मेरे को स्टीयरिंग को बाई तरफ करना है, और बाई तरफ का जजमेंट देखो जब तक गाड़ी का मिडिल रास्ते का किनारे के संग लाइन पे ना आ जाए यानी कि ऐसा ऐसा ना जाए तब तक मेरे को यहाँ पे जाना है, उसी दौरान इसको घुमा देना है, ठीक है, देखो इधर पे देखो ऐसा कितना घुमाया, गाड़ी उधर जा रहा था घुमा दिया इधर, ठीक है, हो गया, अभी देखते रहो कितना मैं इसको घुमा रहा हूँ, उसके संग मैं देख रहा हूँ और भी हमको आंखें खुले रखना है, ठीक है, दाहिने तरफ पे और बीएम पे कितना जगह है रास्ते के संग उसको देखना है, बाएं तरफ पे कितना जगह है उसको भी देखना है, देखो अभी रास्ते के संग मेरा गाड़ी एकदम स्ट्रेट जा रहा है, इसको बाहर रखा मैंने इस लाइन से, ठीक है, बाएं तरफ आके उधर पे साइकिल था, ठीक है, ऐसा गाड़ी को फिर से दाहिने करके सीधा कर दिया, बैलेंस किया इधर पे, ठीक है, और एक बम्पर
उधर पे मैंने देखा और बाई तरफ आ गया, ठीक है देखते रहो। अभी गाड़ी एग्जैक्टली सीधा सीधा जा रहा है, मेरे को जाना है एग्जैक्टली सीधा, चार नंबर गियर उठा दिया गाड़ी को, ठीक है ऐसा सीधा जा रहा है गाड़ी, हल्का डायने किया, हल्का बाई किया, ठीक है अभी गाड़ी एग्जैक्टली ऐसा जा रहा है, देखते रहो। इधर पे देखो गाड़ी के संग देखो, इधर पे ऐसा है, ठीक है गाड़ी एग्जैक्टली ऐसा जा रहा है। यहाँ पे मेरा राइट का जो लाइन है, ठीक है इधर पे मेरा लेफ्ट का लाइन है, ऐसा देखते रहो, स्ट्रेट जा रहा हूँ, ठीक है कितना मैं इसको स्टीयर कर रहा हूँ उसको ही आप लोगों को फोकस रखना है। अभी देखो दोस्तों इधर पे जो भी मेरा गाड़ी का राइट का जो बॉडी है, ठीक है इसके संग मेरा गाड़ी का कितना इधर पे डिस्टेंस है, देखो देखो मैं आप लोगों को एकदम स्लो करके समझाता हूँ। देखो आप लोग ऐसा भी सोचो, ये जो रास्ता है ना मेरे सामने, ठीक है ये वाला रास्ता इधर पे खत्म हो रहा है, इधर पे खत्म हो रहा है, उधर पे रास्ता नहीं है। अभी आप लोगों को इसको ही बार बार चेक करना है, प्रैक्टिस करना है, ओवरबीम पे देखना है और ऐसा सोचना है रास्ता इधर पे एंड हो रहा है, ठीक है मेरा गाड़ी का जो इधर पे बॉडी है इस बॉडी के संग जो भी रास्ते का मिडिल है उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि उधर पे गैप कितना है, ठीक है उसको मेंटेन करके चलाओ पहले पहले, ठीक है उधर भी कितना गैप है, रास्ते का जो किनारा है उसके संग बॉडी का लाइन के साथ कितना गैप है, 2 फीट का जगह है 3 फीट का जगह है उसको देखना है, ठीक है। अगर आपके घर के सामने नजदीक अगर कोई भी ऐसा रास्ता है जहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, गाड़ी को दोनों तरफ डिस्टेंस को मेंटेन करके चलाओ, ऐसा नहीं उसको कांस्टेंट रख के चलाना है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सोचना है, मनी मन सोचना है कितना जगह मेरे को रखना है, उसको कांस्टेंट रख के चलाने का कोशिश क्या करो, तभी आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा गाड़ी का डिस्टेंस को लेके, लेंथ को लेके, ठीक है। देखो अभी मेरा गाड़ी एग्जैक्टली सीधा है, ठीक है उसके संग मेरा गाड़ी एग्जैक्टली स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है अभी देखो इसको मेरे को थोड़ा सा इधर पे एक लाइन से सीधा, इसके संग मैं गाड़ी को इधर पे रोटेट कर रहा हूँ, देखो इधर पे आ गया गाड़ी, अभी सीधा कर दिया। अभी देखो रास्ते का जो मिडिल का लाइन है उसके ऊपर से मेरा गाड़ी का राइट का व्हील जा रहा है, एग्जैक्टली उसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अभी मेरे को ऐसा करके मेरे को बाई तरफ भी चेक करना है, कैसे देखो ऐसा जा रहा हूँ, ठीक है अभी मेरे को बाई तरफ पे जाना है और गाड़ी का जो मिडिल है जब भी वो रास्ते का किनारे के संग अलाइन हो जाएगा, अभी हो गया अभी इसको घुमाना है, यानी कि ऐसा जाके ऐसा जाना है ये जो मिडिल है, ठीक है। अभी देखो मेरे को फिर से डाने तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है रास्ते का इधर पे रास्ता खत्म हो रहा है ऐसा सोचो, ठीक है अभी देखो इतना दूर तक आ गया मैं, बस और नहीं जाना है, उधर पे कुछ नहीं है, ठीक है सोचो उधर पे रास्ता नहीं है, तो ये वाला चीज मेरे रास्ते के एंड के ऊपर से जा रहा है बस ऐसा। और जो भी गाड़ी सामने से आ रहा है उसको ओवरटेक करके मैंने को जाने के लिए उसको इधर पे इस लाइन से बाहर रखना है, ठीक है। देखो इधर पे, देखो इधर पे नजर रखो, मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है देखो इधर पे कितना गैप मैंने छोड़ा, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इधर पे लाइन नहीं है, तो गैप जो कांस्टेंट है, ठीक है वो चेंज नहीं हो रहा है, कभी कभी चेंज हो रहा है जब भी गाड़ी आ रहा है सामने से, ठीक है। देखो इधर पे देखो मैंने स्लो कर दिया, इसको मेरे को साइड देना है, अभी इधर पे आ गया, देखो इधर पे आप लोगों को एकदम खास नजर आ जाएगा, देखो कितना जगह है इधर के संग, ठीक है इधर पे कितना जगह है उधर पे कितना जगह है इसको देख के आप लोगों को जाना है उधर पे, ठीक है ऐसा। मेरा गाड़ी अभी एग्जैक्टली देखो सीधा जा रहा है, मगर सीधा नहीं है, रास्ता टेढ़ा है हल्का सा। अभी देखो गाड़ी स्ट्रेट है, गाड़ी इधर पे जा रहा है, तो इसीलिए हल्का सा हमने स्टीयर किया, गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा स्टीयरिंग का जजमेंट को सोचना है और कैसा गाड़ी चल रहा है उसको भी देखना है। देखो ऐसा गाड़ी सीधा जा रहा है, ठीक है सीधा नहीं जा रहा है गाड़ी, इधर से एक लाइन सोचो गाड़ी उधर पे जा रहा है, ठीक है इसीलिए हल्का सा हमने इसको स्टीयर करना है ऐसा। देखो गाड़ी इधर पे जा रहा है, ठीक है इसको मेरे को बाई तरफ लेके आना है ऐसा, फिर से उधर जा रहा है इसलिए हल्का सा ऐसा, ठीक है। इसको और उसको मार्किंग कर दो, ड्राइविंग करना बहुत ही बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो गाड़ी सीधा जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है स्ट्रेट जा रहा है गाड़ी, नहीं जा रहा है गाड़ी इधर पे जा रहा है, ठीक है हल्का सा स्टीयर किया, हल्का सा और स्टीयर किया बस इधर पे, अब भी स्ट्रेट जा रहा है गाड़ी, मगर रास्ता सीधा जाके ऐसा है। अभी इधर पे देखो, और ज़रूर मेरा लेफ्ट जजमेंट का वीडियो देख लीजिए, ठीक है बहुत ही एकदम बारीकी से है, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा जा रहा हूँ मैं, देखो एकदम स्लो जा रहा हूँ, ठीक है चार नंबर गया, देखो ऐसा करके इधर पे मैंने इसको घुमा दिया, गाड़ी उधर जा रहा था इसलिए हल्का सा डायने कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, बैलेंस किया गाड़ी को, ठीक है और कुछ नहीं, जा रहा हूँ सीधा मैं, ठीक है हल्का डायने किया मैंने गाड़ी को, देखो ऐसा ऐसा घुमा दिया, ठीक है। कब तक घुमा के रखना है, जब तक गाड़ी स्टीयर, देखो अभी देखो बस आ रहा है, ठीक है तो मैं पहले से इसको घुमा दिया, मगर ये अगर बस ना आता मेरे को इधर पे आके इसको घुमाना पड़ता, ठीक है रास्ता ऐसा है। और ऐसा टर्निंग पे ना हमेशा बाई तरफ से जा करो, ठीक है दाएं तरफ बिल्कुल मत जाओ क्योंकि उल्टी दिशा से गाड़ी इधर पे मतलब जाएगा, ठीक है ऐसा। इधर पे देखो ऐसा जा रहा है, स्टीयरिंग को देखो मैं कितना स्टीयर कर रहा हूँ, ठीक है स्टीयरिंग को नजर रखो, स्ट्रेट है गाड़ी, हल्का सा मैंने इधर पे स्टीयर कर दिया, इधर पे जा रहा था गाड़ी, हल्का सा मैंने ऐसा कर दिया, देखो गाड़ी एग्जैक्टली सीधा जा रहा है, ओके
हल्का सा बाई किया, बाई तरफ जा रहा है गाड़ी, देखो इधर पे, ठीक है ऐसा, मेरे हाथ को फॉलो करो, ऐसा करके ड्राइविंग बिल्कुल मत किया करो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसीलिए ऐसा करके ड्राइव करो, आप लोग ऐसा करके ड्राइविंग किया करो, ठीक है। देखो गाड़ी इधर पे जा रहा है, इधर पे फोकस रखो, हल्का सा मैंने डायने किया, गाड़ी देखो उधर पे जा रहा है, इसलिए हल्का सा मैंने बाय करना पड़ेगा, ठीक है। बाय आ गया गाड़ी, हल्का सा डायने किया, स्ट्रेट किया, ऐसा गाड़ी एग्जैक्टली सीधा जा रहा है, ठीक है ऐसा। इसके संग इसका रिश्ता सेम है, ठीक है, अलाइनमेंट एकदम सेम है। अगर आपके गाड़ी के अंदर ये चीज़ सीधा नहीं हो रहा है, रास्ता सीधा है मगर फिर भी ये सही नहीं लग रहा है, फिर आपका व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है गाड़ी का, ठीक है। देखो ऐसा सीधा जा रहा है गाड़ी, ठीक है, रास्ता भी सीधा है, हल्का सा स्टीयर किया मैंने क्योंकि उधर पे बंदे पैडल जा रहा है, ठीक है, ऐसा करके इधर इतना बस, ठीक है। गाड़ी देखो उधर पे जा रहा है, इधर पे लाइन से जो सीधा उधर जा रहा है, इसलिए हल्का सा बाय लेना है गाड़ी को। गाड़ी को कब बाय लेना है, पहले से उसको बाय नहीं तो डायने करना है, ठीक है। और जब भी बंदे लोग पैडल जाता है, ठीक है, पहले से हॉर्न दिया करो, ठीक है, किसी का भरोसा नहीं है, कभी भी डायने बाय कर सकता है, टक्कर लग जाएगा, ठीक है। गाड़ी उधर पे जा रहा है, ठीक है, इसीलिए मेरे को हल्का सा डायने लेना है, ठीक है, हल्का सा इसको स्ट्रेट करना है ऐसा। इधर पे देखो रास्ता ऐसा टर्न है, ऐसा जा रहा हूँ मैं, ठीक है, हल्का सा मैंने को उधर पे अगर जा रहा था गाड़ी, इधर पे मैंने को बाई तरफ लेके आना है गाड़ी को, फिर से डायने करके स्ट्रेट कर देना है, यहाँ पे मैंने गाड़ी को बैलेंस किया, ठीक है। ऐसा देखो गाड़ी जा रहा है इधर पे, मेरे को उसको इधर पे लेके आना है, इधर पे आ गया, डायने किया, स्ट्रेट किया, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग है दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो है स्टीयरिंग बैलेंसिंग, उस वीडियो को जरूर देखें, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। स्टीयरिंग बैलेंसिंग क्या है, स्टीयरिंग बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पोजीशन पे ड्राइविंग करने के दौरान हम लोग को स्टीयरिंग बैलेंसिंग को करना पड़ता है, गाड़ी को बैलेंस करना पड़ता है, कितना डायने कितना बाय, ठीक है। देखो बाय जा रहा है सीधा करके सीधा, ठीक है, ऐसा डायने जा रहा है गाड़ी, बाय करके ऐसा करके सीधा, ठीक है, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। देखो ऐसा जा रहा हूँ, ओके, हॉर्न दिया, हल्का सा ब्रेक किया, गाड़ी के अंदर स्पीड था थोड़ा सा, इसीलिए देखो ऐसा ऐसा निकल गया, ठीक है। इधर जा रहा है गाड़ी सीधा, अभी देखो ऐसा जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं अभी मेरा गाड़ी एग्जैक्टली सीधा है, मेरे को रखना है गाड़ी को एग्जैक्टली सीधा, जब भी सामने से गाड़ी आएगा, नहीं तो इधर पे गाड़ी रहेगा, उसको ओवरटेक करके यानी कि कट मार के मेरे को निकलना है, ठीक है। मेरा भीड़ का जो भी ड्राइविंग है उसको जरूर देखे, गली का भी ड्राइविंग देखे, ऐसा जा रहा हूँ ऐसा, फिर से ऐसा, ठीक है ऐसा। आशा करता हूँ ये वीडियो एकदम पानी की तरह क्लियर है आप लोगों को। देखो ब्रेक किया, गियर को कम किया, 5 नंबर था 4 नंबर कर दिया, ठीक है, ऐसा जा रहा हूँ। देखो उसको इससे बाहर, ठीक है, अभी उसको ओवरटेक किया, ओवरटेक पे देखा बाई तरफ आ गया, आते ही मेरे को डायने तरफ करके इसको सीधा कर देना है, गाड़ी को इसको यहाँ पे सीधा रखना है, बस यही। अभी सामने देखो रास्ता यहाँ पे बंद है, मेरे को एग्जैक्टली इधर से जाना है, ठीक है, देखते रहो। मैंने यहाँ पे अपर किया क्योंकि एक बाइक वाला बंदा आ रहा था, रास्ते यहाँ पे ब्लॉक था, ठीक है, ऐसा निकल गया, निकल गया इधर से। अभी हल्का सा मैंने इधर पे स्टीयर कर दिया बाई तरफ, ऐसा जाना है, ठीक है, हल्का सा बाय ऐसा। तो ऐसा आप लोगों को ड्राइविंग करना है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प किया, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो सर पेट्रोल भर लेता हूँ यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है।